मोरा पीछू आरावा जमीरिया पतावा के झां झरे राम तो झुहुरु झुहुरु करे पात तो निदियो नया वेला। तो नमस्कार, हम वाणी जी कुमार। अब रहो लग रही मस्त सोची कि हम सीन रायनी वाला धुन कहाँ सुनाओ तनी। आज हम रिव्यू करल बानी फिल्म डोली सजा के रखना। तो फाइनली खेसारी लाल फिल्म के ट्रेलर रिलीज हो गल बा। अब एक रिव्यू करम और बताएं कि इस फिल्म कितना खास और कितना सुघर भी है। तो चलिए एगो काम कर जाइए, चैनल पर नया बानी तो भैया एकदम से वाला सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन घंटी वाला दबा ली और संगे मित्र दरदयाल संगे भी शेयर और कर ली। चलिए हम एक रिव्यू चालू कर दिल जाए। देखिए पहले हमने के बात जानल जाए मतलब ये फिल्मों के कहानी का है। तो देखिए फिल्मों का साफ साफ कहानी है भैया, ये एक फिल्म लव स्टोरी वाला फिल्म है। मतलब ये फिल्म में मतलब वो क्या बोलते हैं ना, कॉमेडी है जो खेसारी लाल के शब्दों में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर खेसारी लाल का कोई सबसे महत्वपूर्ण अगर पक्ष है मतलब बरियार पक्ष जिसको कहा जाता है, वो है उनका कॉमेडी। उनके अंदर से ये चीज़ बहुत ही बखूबी तरीक़ा से और अच्छे तरीक़ा से निकलता है और उसको करते वक्त खेसारी लाल भी बहुत ही सुंदर और अच्छे भी दिखाई देते हैं। तो वो अपने कॉमेडी वाले रोल में बहुत ही मस्त दिखाई दे रहे हैं। मतलब ट्रेलर के हाफ एंडिंग तक जिस तरह से अम्रपाली दुबे और खेसारी लाल का जो कॉमेडी चलता है वो एकदम से यूनिक है, लाजवाब है। इन दोनों की जब एंट्री होती है, भेंट होता है, उसके बाद से धीरे धीरे कहानियाँ थोड़ी सी आगे बढ़ती है। तो एक बार अम्रपाली दुबे बोलते हैं कि देखिए हमारे अंदर का बहुत ही वो डांस है, डांस करने का बहुत ही मन करता है, थोड़ा सा आप हमको सिखा दीजिएगा ना तो हमारा डांस स्पेशल वाला आ जाएगा। तो वहाँ खेसारी लाल का एक संवाद होता है जब ये अम्रपाली दुबे डांस उन्स कर दिखाती है, तो उनका एक संवाद बहुत ही यूनिक है। वो बोलते हैं कि ये डांस हो, अरे ये डांस कर तरू कि जोतल खेत हेगा तरू। तो ये वाला संवाद में खेसारी लाल बोलते हुए बहुत ही मस्त लग रहे हैं। थोड़ा सा फिर से कहानी आगे बढ़ती है, उसके बाद से अम्रपाली दुबे का एक बहुत ही यूनिक डायलाग्स आता है जो कि ट्रेलर में सुनने में मज़ा आता है। मतलब वो बोलती हैं कि हमारे सामने तो तुम बहुत बड़का वाला ये बनते हो वो बनते हो और अपन बाबू जी से बतियावे में तोहर फाटता। ये बात मतलब अम्रपाली दुबे के अंदाज में बहुत ही सुंदर और बहुत ही एकदम यूनिक्स लग रहा है। मतलब इस तरह के नोक झोंक के तरीके से ट्रेलर के हाफ तक प्यार मोहब्बत चलता है। ट्रेलर के हाफ के बाद कहानियाँ ऑटोमेटिक बदल से जाती हैं, वहाँ से शादी ब्याह की सिचुएशन आ जाती हैं, कैसे मतलब प्यार इनका दूसरे के पास जाने लगता है और उन दूसरे के प्यार इनके पास आने लगते हैं। मतलब कहानी ऐसे बदल जाती है जैसे फिल्म मानो इस ट्रेलर में कुछ यूनिक सा बन गया है। मतलब बहुत ही सस्पेंस है जो प्यार मोहब्बत के चीज़ों को दिखाया गया है और यूनिक से थोड़ा सा इसमें फाइट्स भी दिखाया गया है, लेकिन उस फाइट का हमें नहीं लगता कुछ मतलब था, लेकिन अब वो फिल्म में शायद मतलब निकल जाए, ट्रेलर में तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ट्रेलर की कहानी बहुत ही यूनिक है। अब सब कुछ ट्रेलर में ही नहीं समझ में आ पा रहा था भाई, सब कुछ कैसे कह दे, बाकी फिल्म आएगा तो उसमें हम जरूर कहेंगे। बता दें कि अम्रपाली दुबे और खेसारी लाल की जो जोड़ी है वो एकदम मस्त दिखाई दे रहे भाई, एकदम से मस्त दिखाई दे रहे। खेसारी लाल अपने सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मतलब कॉमेडी करते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अम्रपाली दुबे भी अपने अंदाज में बिल्कुल मस्त। इन दोनों की केमिस्ट्री देखकर लग रहा है कि सही में ये दोनों लोग अगर लगातार फिल्में करें ना तो कमाल की जोड़ियाँ दिखेगी और मज़ा आएगा, दर्शक को पसंद भी आएगा। बाकी हम बात करें विनोद मिश्रा जो कि इसमें खेसारी लाल के पिताजी के रोल किए हैं, अपने रोल में एकदम लाजवाब। जब वो गाते हैं ना कि मोर पिछवाड़वा जमीरिया पतवा के झाझरे राम, तो एकदम लग रहा है कि एक पिता अपने किस तरह से मतलब बच्चे को समझा रहा है, मतलब एकदम से लाजवाब, अद्भुत, मतलब मज़ा दे रहा है। बाकी अनूप अरोड़ा जो अम्रपाली दुबे के पिता के रोल में है, ट्रेलर में उनका खासा इम्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी लाल बाबूधारी अपने खेसारी लाल के मित्र के रोल में निभाए हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं और अच्छा लग भी रहे। बाकी समर्थ चतुर्वेदी अगर ट्रेलर में कुछ तरह का कोई इम्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी और भी कलाकार हैं जैसे कि रीना रीना, विद्या सिंह, बबलू और अखिलेश कुमार, बीना पांडे, संतोष पालवान ट्रेलर में कहीं दिखाई ही नहीं दिए हैं। तो बाकी बता दें कि फिल्म का ट्रेलर बहुत ही लाजवाब है, देखने के बाद मज़ा आ जाता है। यानी ये फिल्म को अगर ट्रेलर में मतलब थिएटर में देखा जाए तो हंसी खुशी सब कुछ दिखेगा, गाना भी दिखेगा। फाइनली इस फिल्म के निर्माता हैं रोशन सिंह और इस फिल्म को कहानी लिखे भी हैं और डायरेक्ट किए हैं रजनीश मिश्रा। रजनीश मिश्रा को बता दें कि जिस तरह से इमोशन दिखाने के लिए माहिर माने जाते हैं वो ट्रेलर में दिखा दिए भैया। पूरी फिल्म यार देखा जाए ना तो सही में मज़ा आने वाला है, एकदम सही मज़ा आने वाला है। तो फाइनली इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अगर देखा जाए गीत संगीत का, ट्रेलर में जो भी गीत संगीत देखने को मिल रहा है अपने आप में लाजवाब है, मस्त है,
देखकर मज़ा आ जा रहा है, दिल छू जा रहा है। मतलब एक लव सॉन्ग दिखाया गया है वो एकदम से बेमिसाल है, देखने के बाद मज़ा आ जा रहा है, मज़ा आ जा रहा है। बाकी जो क्लाइमेक्स के जो ट्रेलर में दिखाया गया है, जिस तरह से शादी का सीन है और उसमें जो गाना चलता रहा है, केकर से नुरवा केकरा लगे जाइए रहा, वो गाना एकदम से मस्त है, सुनकर मज़ा आ जा रहा है। तो फाइनली ओवरऑल ये ट्रेलर देखे तो एक कमाल का है, फिल्म कमाल का ही होगा। तो फाइनली इतना ही ट्रेलर का रिव्यू है, रवा लोगों के रिव्यू कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और देखते रहें जा न्यूज़ तक भोजपुरी। बाकी राम जी।